तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इसको इसका आंसर जल्दी से निकालना चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिवीजन है तो इसलिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई का रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को उतार लेंगे 1/2। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ये डिवाइड का चिन्ह है हम इसकी जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे इसको चेंज करके। और फिर जो इस चिन्ह के जो राइट साइड पे जो नंबर है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो जैसे कि अभी 1/6 है तो 6/1 कर देंगे। अब हम ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 हो गया और अपॉन में 2/1 हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा कि ये नंबर किसी भी एक नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा। तो जैसे कि हो जाएगा 2 1 2 और ऊपर वाला 2 3 6, यानी इसका आंसर आया 3/1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल टू 3/1। तो चलिए एक और करके देखते हैं। तो चलिए अब जैसे मैंने नंबर ले लिया 7/5 डिवाइडेड बाय 3/9। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 7/5 है तो हम यहां 7/5 लिखेंगे। अब डिवाइड का चिन्ह चेंज करके हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे। तो 9 ऊपर और उसके अपॉन में 3। तो अब हम ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/9 इज इक्वल टू 63 और फिर 5/3 इज इक्वल टू 15। तो फ्रेंड्स क्या ये नंबर कट जाएगा? हाँ ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 5 15 हो जाएगा और ऊपर 3 21 3 21 63 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 21/5 7/5। सॉरी फ्रेंड्स उस मार्कर की एक नहीं चल रही थी तो ये 21/5 हो गया। यानी 7/5 डिवाइडेड बाय 3/9 इज इक्वल टू 21/5। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट में भी बताइएगा मुझे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि
ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ एक नए और